अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पिछला व्लॉग जहाँ पे एंड किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फंक्शन, स्कूल फंक्शन के बाद हम लोग अपने घर पहुँच गए थे, अपने मायके अज़हर के यहाँ, और हेना और अशाज और उसके हस्बैंड भी साथ में थे। अरे बता के क्या करते हैं, बता देती तुम्हारी चिकन बनवा देते हैं। अच्छा, तो अभी क्या दाल सब्जी बनवाओगी? खिचड़ी खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नियर अबाउट 4 o'clock हो रहा था, शाम का 4 बज गया था। और फिर हसनैन तो पहले ही पहुँच गए थे, हिना हम लोग के साथ थी। फिर उसके बाद देख लीजिए, अभी आपने सुना कि आरिफ कह रहा था कि पहले से बता के आती तो खाना बन जाता, अब क्या बनेगा। तो फिर हम लोग बातें कर रहे थे और यहाँ पर ये देखिए आबान की माशाल्लाह, फिर वो अपनी ड्राइंग दिखाने लगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइंग वो बनाता है, देखिए उसकी स्केचिंग देखिए, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। और अभी ये 2nd class में है। और इसके शौक, एक टाइम था अज़हर भी बहुत अच्छी स्केचिंग करता था, लेकिन ये तो भाई ड्राइंग स्केचिंग तो करता ही है, साथ में इसकी कलरिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हमने कहा आपके साथ भी शेयर कर दें। तो ये जब हम लोग जाते हैं ना, ये जो करके रखते हैं सब दिखाते हैं। अबान ने बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाई है, वेरी गुड अबान। अच्छा, वो तो है, देख के लग रहा है। तो आबान बड़े होकर क्या बनना है? क्रिकेटर। आए क्रिकेटर। और ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है, क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है? क्रिकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है। चलो अगर क्रिकेट में नहीं मिलेगा तो इसमें आजमा लेना, है ना? तो बस थोड़ी देर तक तो फॉर्मेलिटी में बैठे रहे, उसके बाद पता है जब घर पहुंचते हैं तो क्या होता है। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, फिर हम लोगों ने अपना ब्लैंकेट वगैरह उठा लिया और आराम से बैठ करके, जब दो बहनें मिलती हैं ना तो क्या होता है आप तो जानते हैं। तो हिना जो है ये हमारी कज़न है, इसका नाम भी हिना है। तो फिर हम लोगों ने खूब सारी बातें की, खूब सारी गॉसिप हुई। और हमारी हिना जो भाभी है वो तो बेचारी किचन में लगी थी, उसके यहाँ गेस्ट आए थे तो वो खाना, अरे सॉरी, नाश्ता वगैरह कर लगा रही थी। टाटा। इसके बाद हिना जो है वो चली गई थी, उसको बहुत रोका गया कि रुक जाए, लेकिन उसके बच्चे ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चे का जो दिन का टाइम था ना वो डिस्टर्ब हो गया था, उसका सोने का टाइम था। तो बच्चे कहीं आते जाते हैं तो ढंग से सो नहीं पाते हैं, तो बस वो तंग कर रहा था इसलिए वो रुकी नहीं। और फिर देर में हो जाती तो ठंड भी बढ़ जाती, इसलिए वो चली गई। उसके बाद हिना जो है यहाँ पर किचन में लग गई थी और वो बनाने लगी बिरयानी। उन्होंने पूछा क्या बनाया जाए, तो ये हुआ कि बिरयानी बना लो, क्योंकि दिन में लेट हम लोगों ने लंच किया था और पेट भी काफ़ी भरा हुआ था, अच्छे से खाया था, तो ये हुआ कि बस बिरयानी बना लो। तो हिना यहाँ पे किचन में लगी हुई बिरयानी बना रही थी, हम तो भाई ब्लैंकेट लेकर के आराम से लेटे हुए थे। उन्होंने यहाँ पर चिकन बिरयानी बनाई, और रेसिपी तो आपके साथ नहीं दिखाया क्योंकि बच्चे भी यहीं पर अंदर बातें कर रहे थे, हम भी लेटे हुए थे तो रेसिपी तो शूट नहीं कर पाए। इंशाल्लाह कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे रेसिपी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त हिना बिरयानी बनाती है। और आपको एक बात शेयर करनी है, एक बात बतानी है, हम लोगों ने बिरयानी जो खाना है वो शायद हिना से ही सीखा है। क्या मतलब, ये कि हमारे यहाँ बिरयानी जो है नहीं बनती थी, यखनी पुलाव ही बनता था, क्योंकि हमारे घर में हमारे अब्बू को, हम लोगों को यखनी पुलाव पसंद था और बिरयानी हमारे यहाँ कभी बनती ही नहीं थी। तो हिना जब शादी होकर के आई तब इसने बिरयानी बनाना शुरू किया, और उसके बाद हमारे यहाँ बराबर रेगुलर बिरयानी बनने लगी। और हमने भी हिना को देख देख कर ही सीखा, और माशाल्लाह आज हमको भी बिरयानी बनानी आ गई है। और अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे भी बिरयानी खाने लगे। अज़हर को भी बिल्कुल पहले पसंद नहीं थी, वो भी यखनी पुलाव पसंद करता था, लेकिन उसने भी बिरयानी बनाना, सॉरी, खाना शुरू कर दिया, उसको भी पसंद आने लगी है। और ये देखिए हमारी ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त थी, हमारी नहीं भाई, हिना की ज़बरदस्त थी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई थी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस थी। कस्टमाइज परफ्यूम अगर आपको भी करवाना है तो अबान का कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कॉल करके करवा लीजिए, ठीक है ना अबान? ठीक है,
ये स्मेल कर सकते हैं आप लोग, कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ स्मेल तो अच्छी है। तो बस हस्बैंड जो थे हम लोगों को घर पे ड्रॉप करके चले गए थे, फिर वो दोबारा आ गए थे यहाँ पे। अब हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया है और 9:30 हो रहा था, इसके बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल पड़े थे। ठंड तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कम थी, लेकिन रास्ते में घर पहुँचते पहुँचते हमारे एरिया में थोड़ा सा फॉग आ गया था। फॉग तो अभी एक दो दिन से हो ही रहा है, लेकिन धूप भी माशाल्लाह तेज़ निकल रही है। जब रास्ता हम लोग इस तरह से तय करते हैं ना, तो फुल इंजॉय के साथ करते हैं। उसके बाद ये देखिए आज सुबह मॉर्निंग का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सुबह जो है स्कूल रीओपन हो गए हैं, आलिया तो जाने लगी हैं, तंजिया के तो पेपर चल रहे हैं, लेकिन वो जाती हैं, वो सुबह जा चुकी थी। उसके बाद आलिया का तो 10:00 है टाइमिंग, तो बस आलिया के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तो 9 बजे का टाइम हो रहा था क्योंकि 10 बजे से स्कूल है, तो आलिया के साथ साथ हमने सोचा हम अपने लिए भी बना लेते हैं। तो हमने तो भाई एग वाला जो बर्गर है वो बनाया था, आज साथ में हमने इसमें चीज़ भी लगा दी थी। कभी कभी चलता है, वैसे बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है भाई। रोज़ रोज़ क्या बनाया जाए चाहे ब्रेकफास्ट में, सबसे बड़ा मसला तो ये होता है हर दिन और सबको अलग अलग चाहिए, ये भी एक मसला। भाई हमारे हस्बैंड तो बहुत अच्छे, उनको कुछ भी दे दो माशाल्लाह वो सब कुछ खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बस मीठा होना चाहिए, क्योंकि नमकीन तीखी चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, सुबह वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं। हाँ अगर आप चाहिए कि ब्रेड है, अंडा है, पराठा अंडा है, ये सब दे दो, तो ये चीज़ें भी वो पसंद नहीं करते, बल्कि हलवा बना के रख दो तो इजीली हलवा है दूध के साथ खा लेंगे, उसको पराठे के साथ भी खा लेंगे। लेकिन हाँ अगर सब्ज़ी के साथ बोलो पराठा खा लो, तो नहीं भाई उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। तो यहाँ पर हमारा देखिए अब ब्रेकफास्ट बन गया था, हमने कहा अभी आलिया के लिए बना रहे हैं तो चलो साथ में हम भी कर लेते, कभी करते कभी नहीं करते, बस चलता रहता है। कभी कभी रस्क के साथ चाय के साथ जब ले लेते हैं तो नहीं लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, पर आज कर लिया था क्योंकि रात में थोड़ा सा लाइट खाया था हम लोगों ने तो भूख लग गई थी। तो बस ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि भूख लगी होता। फिर आलिया के लिए तो आलिया को एग नहीं चाहिए था, तो रात में ये हमने टिक्कियाँ बनाई थी आलू की, तो हमने कल आलिया के लिए ये बना देते हैं। तो आलिया के लिए आलू की टिक्कियों के साथ हमने उनको बर्गर बना दिया था। भाई टिक्कियाँ आलू बहुत अच्छे आ रहे हो, टिक्कियाँ बना के रख लो तो बहुत कन्वीनियंट रहता है सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, के बच्चों को दे सकते हैं, बर्गर बना देंगे, सैंडविच बना दो, कुछ भी कर दो। तो आलिया का भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया था, और देर से स्कूल है, 10:00 है, तो उनकी छुट्टी भी लेट होगी, तो 2:30 पे छुट्टी होगी, और देखिए कब तक आती हैं, आते आते उनको हमको लग रहा है 3:15 तो हो ही जाएंगे। तो बस सारा दिन आज स्कूल में ही इसी तरह जाएगा। अब वो आएंगी उसके बाद अपना रूटीन शेयर करेंगी, तो अभी तो हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, अभी वो आई भी नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद उनके लिए हमने ब्रेकफास्ट उनका लंच भी बना दिया था, लंच में हमने उनको कबाब दे दिया था और साथ में उनको पराठे के साथ दिया था, उनको बहुत पसंद है कबाब और पराठा। तो रात में ही हमने कबाब बनाए थे, बहुत सारे कबाब हमने बना करके रख दिए थे, फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि अब स्कूल ओपन हो गया है तो भाई लंच के लिए दिक्कत होती है क्या दिया जाए, और बच्चे आ करके भी शाम को भी कुछ मांगते हैं खाने के लिए, तो चाय के साथ भी हो जाता है तो बना रहता है तो अच्छा रहता है। और थोड़ा सा ठंड भी कम हो गई है तो अब हाथ पैर चलना शुरू हो गया, हाथ पैर चलने का मतलब अब थोड़ा सा काम करना अच्छा लग रहा है, वरना तो रजाई में ही बैठे रहने का ब्लैंकेट में ही हर वक्त दिल चाहता था। तो चलिए इसके बाद इन कबाबों को फ्रीज कर देते हैं और फिर वही रोज का काम शुरू करते हैं। काम जिस वक्त से शुरू कर दिया जाए तभी से शुरू हो जाता है, देर करो तो देर हो जाएगी, जल्दी करो तो जल्दी हो जाता है। तो तंजी आ चुकी थी कॉलेज से, सुबह ही गई थी, उसके बाद ये ब्लैंकेट में लेट गई थी। हमने उनसे कहा कि भाई देखो आज हमने कपड़े सुबह ही से उठ करके सब वॉश कर दिए हैं, चलो जाओ धूप अच्छी निकल आई है तो इन्हें छत पर डाला। और वो कह रही थी माँ आप कितना परेशान करती हैं, लेटने भी नहीं दे रही। देखिए हमारे यहाँ क्या हो गया, ये पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। और नीचे ये देखिए इसकी ड्रॉप आप देख रहे होंगे, नीचे गिर रही है। अब प्लम्बर को बुलाया गया है और ठंड की वजह से प्लम्बर का भी कुछ पता नहीं कहाँ चला गया, अब देखिए कब आता है।
तो धूप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। सुबह ही हमने आज भाई जो जैकेट वगैरह हस्बैंड की रखी हुई थी आज ही हमने धुलाई शुरू कर दी थी कि उसे धो दिया जाए ताकि धूप तेज़ है तो धूप में ले जा करके तंजिया उनको डाल देगी। तो तंजिया को हमने बुलाया कि भाई आ जाओ जाकर डाल दो। और ये देखिए कल माली भाई हमारे आए थे तो कल उन्होंने हमारा सारा जो मैरीगोल्ड था यानी जो गेंदे का था उसको सारा जो है ऊपर पहुंचा दिया है क्योंकि यहाँ पे धूप बिल्कुल लग नहीं रही, उसमें बड भी नहीं बनी है, थोड़ी बहुत बनी है। तो उन्होंने कहा धूप में कर देते हैं, सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है। और ये वाला प्लांट देखिए ये बिल्कुल गल गया है क्योंकि धूप लगी नहीं है तो इस बिल्कुल इसकी रूट जो है वो ख़राब हो गई है। और आज किस तरह से हमने जैकेट धोई है ना वो हम ही जानते हैं भाई, इतनी है हैवी हो गई थी कि उठाए नहीं उठ रही थी। और क्या करें धोना है ये पाँच पाँच छः छः जैकेट जो है सारा यूज़ कर करके गंदा कर करके रखा हुआ है और पता नहीं कब मौसम बदल जाए, कब बारिश शुरू हो जाए, क्या हो जाए, कब धूप चली जाए, कब फॉग आ जाए। इसलिए मैंने कहा भाई धो देते हैं। वैसे आज पता कोल्ड कफ होने की वजह से पानी में हाथ वैसे डालना नहीं था बट इसे तो हाथ से धोना था क्योंकि इसे हम मशीन में नहीं वॉश करते हैं। तो हमने कहा भाई चलो भाई हिम्मत करके ये काम कर दिया जाए, तंजिया रहेगी तो ऊपर धूप में डाल देगी तो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो ऊपर गई है डालने के लिए तो शूट उसने ऊपर भी कर लिया था। देख रहे हैं ना आप धूप कितनी तेज़ हो गई है भाई, अल्लाह की कुदरत देखिए। अभी कल तक जहाँ इतना ठंड था आज देखिए क्या हाल है। दो तीन दिन अगर इसी तरह धूप रही तो लग रहा है गर्म बहुत जल्दी आ जाएगा। तो भाई इंसान ऐसी चीज़ है ना, उसे ठंडे में चैन है ना गर्मी का चैन है, किसी चीज़ में सुकून ही नहीं है। तो हमारे प्लांट्स आपने देख लिए होंगे ये सब छत पे रखे हैं और सबके पौधे जो हैं ऊपर रखे हुए हैं। और लंच जो है ये हमारा जो है रेडी हो गया है। लंच में हमने बनाई है उड़द और बथुए वाली दाल। भाई कुछ दिनों का मेहमान है ये उड़द की और बथुए की दाल क्योंकि उसके बाद फिर बथुआ चला जाएगा। और वो समझ रही है प्रेशर कुकर में कुछ है नहीं, अभी चावल हमने सोख नहीं किया था, बथुआ थोड़ा सा बच गया था तो रख दिया था और साथ में रहेगा कबाब। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।